हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास एंड टुडे वी विल रीड क्लास सेवेंथ सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. ओके, एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 684. ओके, पेज नंबर 84 एंड दिस इज वीडियो 4. ऑल राइट, दिस इज वीडियो 4 ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. हाउएवर, सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, द लॉस ऑफ मार्केट. ओके, प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाई द पोर्टुगीज एंड कॉम्पटिशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668. टुडे सूरत इज अ बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. ओके, किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन प्रारंभ हो गया था. ठीक है, सूरत का भी क्या हो गया था? अधा पतन प्रारंभ हो गया था. इसके कई कारण थे. ओके स्टूडेंट्स, इसके क्या थे? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, इसके कई कारण थे. पहला कारण क्या था? द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों में, ओके स्टूडेंट्स, बाजारों में क्या हो गया था? डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों में उत्पादकता क्या हो गई थी? बाजारों की जो उत्पादकता थी उसमें हानि होने लगी. ठीक है, बाजारों तथा उत्पादकता की हानि होने लगी और इसके कारण क्या हुआ? रूट्स बाय द पोर्टुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट इन मुंबई, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668. ओके, और इस कारण से पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और, ठीक है, और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में, ठीक है, 1668 में क्या हुआ था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, अपना हेडक्वार्टर वहां पर उन्होंने स्थापित कर लिया था. और इस प्रकार से टुडे सूरत इज़ अ बसलिंग कॉमर्शियल सेंटर. आज सूरत एक महत्वपूर्ण बसलिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रसिद्ध क्या है? एक व्यापारी केंद्र है, वाणिज्य केंद्र है. ठीक है, तो क्या हुआ था स्टूडेंट? 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन प्रारंभ हो गया. इसके कई कारण थे. ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था. आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है. ओके, नाउ नेक्स्ट, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स. ओके, मसूलीपट्टनम. ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मसूलीपट्टनम के बारे में. मसूलीपट्टनम के लिए क्या चुनौतियाँ हो गई थी? फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, तो काफ़ी जोखिम भरा हुआ दौर था, जब मछली पालन के लिए बहुत खतरा हो गया था. मीन्स की फिशिंग, मछली पालन इन ट्रबल्ड वाटर्स, परेशानी से जो नदी स्थल था जहाँ से वे मछली पकड़ने का काम करते थे, वह परेशानी में आ गया था. चुनौती भरा उनके लिए ये काम हो गया था. ये जोखिम भरा दौर था मसूलीपट्टनम का. चलिए देखते हैं क्या जोखिम यहाँ पर मसूलीपट्टनम में हुआ था. द टाउन्स ऑफ मसूलीपट्टनम और मोचलीपट्टनम, लिटरली फिश पॉट टाउन, ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर. इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. ओके, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम क्या है? मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के कहां पर स्थित है? डेल्टा में स्थित है. इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था. इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. ठीक है, यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का क्या था? नगर हो गया था 17वीं शताब्दी में. और स्टूडेंट्स, मछलीपट्टनम का अगर हम अर्थ पढ़ें, इसका लिटरली मीनिंग होता है फिश पॉट टाउन. ठीक है, फिश पॉट टाउन मीन्स कि मछली, फिश मीन्स मछली, पॉट टाउन मछली पकड़ने के लिए बनाया गया बंदरगाह. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फिश पॉट टाउन. ओके,
बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, ओके, बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाई द डच. ओके, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड और इंग्लैंड में, ठीक है, कहाँ पर कंट्रोल मसूलीपट्टनम एट इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन द आंध्र प्रदेश. द फोर्ट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाई द डच. तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, हॉलैंड और इंग्लैंड में दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनियां थी उन्होंने मछलीपट्टनम में नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, ठीक है, क्योंकि तब वह आंध्र तट का एक सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, ठीक है. और स्टूडेंट्स एक बात आपको बताएं कि जो मसूलीपट्टनम का किला है वो किसने बनाया है, वो हॉलैंड वासियों ने बनाया है, डचों ने बनाया है, ठीक है. तो बोथ द डच, ओके, बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम, उन्होंने कई बार कोशिश करी कि वे मसूलीपट्टनम में अपना नियंत्रण करें. बिकॉज एट इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन आंध्र प्रदेश, क्योंकि वह तब आंध्र प्रदेश के तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, बंदरगाह बन गया था. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाई द डच, और जो मसूलीपट्टनम का किला है वो हॉलैंड वासियों ने बनाया है. ओके, अ पुअर फिशर टाउन, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मछुआरों का एक गरीब नगर, ठीक है, मछुआरों का एक गरीब नगर. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथोल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620. दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकंडा वेयर द राइट वर्शिप वेयर द राइट वर्शिप फुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट. इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, अनवेल्ड इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड विद इन ऑल द स्प्रिंग आर ब्रेकफिश ब्रेकिश. इट वॉज फर्स्ट पुअर फिशर टाउन, आफ्टरवर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड अ प्लेस वेयर शिप्स कैन एंकर मेड इट अ रेजिडेंस फॉर मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यूस सिंस अवर एंड द डच नेशन frequent the this coast. Okay, this is the chief port of Golconda. Okay, यह क्या है, यह Golconda का एक chief क्या है, बहुत ही Golconda का एक बहुत ही सस्ता हम कह सकते हैं क्या रहे एक where the right worship full East India Company, ठीक है, जहाँ पर यह Golconda का एक chief, chief means मुख्य, ठीक है, मुख्य पत्तन है जहाँ परम पूज्य East India Company अपना agent रखती है. चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अ पुअर फिश टाउन, फिशर टाउन है क्या. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथोल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620. ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथोल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था. ओके, This is the chief port of Golconda where the right worshipful East India Company have their agent. Okay, तो यह Golconda का मुख्य पत्तन है, मुख्य बंदरगाह है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है. It is a small town, यह एक छोटा नगर है, but populous unveiled till ill built and was situated within all the springs are brackish. Okay, तो स्टूडेंट्स यह एक छोटा सा नगर है पर घना हुआ बसा नगर है, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से यह बना हुआ है, ठीक है, और ना ही यह अच्छी जगह स्थित है, ठीक है. एंड विद इन ऑल द स्प्रिंग आर ब्रेकेज, और इसके अलावा इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं. इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, आफ्टरवर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड अ प्लेस वेयर शिप कैन एंकर मेड इट अ रेजिडेंस फॉर मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यूस सिंस अवर एंड डच नेशन फ्रीक्वेंटेड दिस कोस्ट, ठीक है. तो स्टूडेंट्स पहले क्या था यहाँ पर, यह एक छोटा नगर था पर घना
बना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है, इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। ओके, पहले स्टूडेंट्स यह एक गरीब मछुआरा नगर था, पहले यह क्या था, एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए किसकी व्यवस्था है, निवास की व्यवस्था भी करता है। ओके, Why did the English and the Dutch decide to establish settlements in Masulipatnam? अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इंटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। ओके, तो जो गोलकोंडा के कुतुब शाही शासक थे, गोलकोंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़े मसालों, ठीक है, टेक्सटाइल कपड़े, स्पाइसेस मसाले एंड अदर थिंग्स, ठीक है, आइटम्स और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। ओके, और इसी प्रकार फियर्स फियर्स कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, ओके, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, ऑलराइट, तेलुगु कॉमेटी चैटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलर्स एंड प्रॉस्पेरस। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मेर जुमला, हु वॉच ऑल्सो अ मर्चेंट, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। इन 1686-1687 मुगल एम्पेरर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। ऑलराइट, और इसी प्रकार से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जो विभिन्न व्यापारी वर्ग थे, ठीक है, विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकोंडों के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमेडी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। ओके, As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor, Mir Jumla, who was also a merchant, ठीक है, और इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब मुगलों ने गोलकोंडा को तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो इनके प्रतिनिधि सूबेदार और मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वे आपस में क्या करने लगे, डचों को, जो हॉलैंड वासी थे, और अंग्रेजों को आपस में क्या करने लगे, फाइट उनकी करवाने लगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से इन 1686 से 1687 में मुगल एम्पेरर, जो मुगल बादशाह थे, मुगल एम्पेरर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। ठीक है, मुगल एम्पेरर ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ओके, This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta present-day Kolkata and Madras present-day Chennai, Masulipatnam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. Okay, this caused the European companies to look for alternatives. ठीक है, तो अब यूरोपियन कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। ठीक है, कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि जो पत्तन थे भीतरी
प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें. द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ट सुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल रोल्स. ठीक है, और इसके साथ बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें. एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे कलकत्ता प्रेजेंट ए कोलकाता इन मद्रास प्रेजेंट ए चेन्नई मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी. ओके, बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डायलापिटेटेड लिटिल टाउन. ओके, तो जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है. ओके, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. अब हम पढ़ेंगे नए नगरों और व्यापारों के बारे में. ठीक है, इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया. द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनीज in order to expand their commercial activities in the east. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghafur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. Okay. इन द 16th एंड 17th सेंचुरी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप के जो देश थे, वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल. वे मसाले और कपड़ों को ढूंढ रहे थे. ठीक है, उनका जो व्यापारिक उद्देश्य था वे मसाले और कपड़ों की तलाश में लगा हुआ था. ओके, लगा हुआ था. एंड जो यूरोप और पश्चिम एशिया थी वे दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे. ओके, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया. तो ये लोग क्या थे, ये यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे. ठीक है, फिर इसके बाद द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट. ठीक है, और ये लोग अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफर एंड विर्जी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद दैम. ठीक है, और इस प्रकार से प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विर्जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज था, उनका मुकाबला किया. ओके, हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स. ठीक है, और क्या हुआ था इसके बाद, प्रारंभ में तो जो मुल्ला अब्दुल गफूर था और विर्जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी थे, इनके पास बड़ी संख्या में क्या थे, जहाज थे, तो उनका मुकाबला किया गया. ओके, और किंतु यूरोपियन कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया. ठीक है, अल्टीमेटली अंततः द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट. ओके, और आखिरकार अल्टीमेटली इस प्रकार अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए. ओके, ऑलराइट. द स्पर्ट इन डिमांड. ओके, द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग. ओके, ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा विथ मोर एंड मोर पीपल. ऑलराइट, विथ मोर एंड मोर पीपल.
टेकिंग दैम अप इंडियन टेक्सटाइल डिजाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड हाव एवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. Weaver no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. Okay. Now next students, the spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts, okay, of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people. तो students, वस्तुओं जैसे कि कपड़ों जैसी वस्तुओं की मांग में क्या होने लगी, तेजी आने लगी और अधिकाधिक लोगों ने कताई बुनाई धुलाई रंगाई आदि का धंधा अपना लिया, ठीक है, विथ मोर एंड मोर पीपल टेकिंग दैम अप, और इससे क्या हो गया, अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ गए. ऑलराइट, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. ओके, हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और इससे क्या हुआ, इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुआ और भारतीय वस्त्रों के रूप रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते चले गए. ठीक है स्टूडेंट, they now begin to work on a system of advance which meant that they had to weave cloth which was already the liberty of already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. So kya hua tha students, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता क्या हो गई, घटने लगी. ठीक है, शिल्पकार क्या हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन डिक्लाइन, ठीक है, वे घटने लगी और शिल्पी जन क्या हो गए, वे पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे. पेशगी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, पेशगी मीन्स होता है जिसमें कि जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था. ठीक है, जिनसे उन्होंने पहले प्रॉमिस कर दिया है, पहले बातें हो चुकी हैं, तो उसी में उनका क्या करना पड़ता है, उन्हीं के लिए काम करना पड़ता है, उसे पेशगी बोलते हैं. तो शिल्पीजन क्या हो रहे थे, अ सिस्टम ऑफ एडवांस, मतलब एडवांस में काम कर रहे थे शिल्पीजन, पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था. ओके, वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. ऑलराइट, अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी. दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाई टू दैम बाई द कंपनी एजेंट. उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं के डिमांड के अकॉर्डिंग, उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने होते थे. ओके, The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are notable cities today. Craft and commerce underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into black towns established by the European companies within these new cities. The blacks or native traders and craft persons were confined here while the white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras or Fort St. Williams in Calcutta. The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up next year. Okay. So students, the 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras. Okay, 18th शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज क्या है, विच आर द नोडल सिटीज टुडे, जो आज प्रमुख महानगर हैं. ओके, क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस. ओके,
सच एज वीवर्स वर मूव्ड इन टू द ब्लैक टाउन स्टेबलाइज बाई द यूरोपियन कंपनीज विद इन द न्यू सिटीज. तो शिल्प और वाणिज्य में स्टूडेंट्स बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए. ठीक है, और ब्लैक मीन्स स्टूडेंट्स ये तो क्या हो गया, ब्लैक टाउन में स्टेब्लिश हो गए. तो द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर कन्फाइंड हेयर वाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम्स इन कलकत्ता. ओके, तो क्या हुआ था, ये जो सौदागर थे, जो कारीगर थे, यूरोपियन कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में क्या हो गए, ये स्थानांतरित हो गए. ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि जो गोरे शासक थे, जो वाइट रूलर्स थे स्टूडेंट्स, गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए. 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ. ठीक है, जो कि आज हम सब जानते हैं ये क्या है, आज प्रमुख महानगर हैं. ओके, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपियन कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए. तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया. ओके, जबकि जो गोरे शासक थे, गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बना दिए. ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता. ठीक है, तो क्या किया, जो ये गोरे शासक थे इन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने क्या बना लिए, आवास बना लिए. और 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे. इट इज़ अ फिगर 8 ऑफ बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया है. ये जो पेंटिंग है, ये जो चित्र है, ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क का पिक्चर है. ठीक है, आप देख सकते हैं बम्बई की एक सड़क का पिक्चर जो कि कब बनाया गया था, 19वीं शताब्दी में किया गया था. ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में. ठीक है, इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स अंडरटूक अनप्रीसीडेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स. हम देखें तो 15वीं शताब्दी में यूरोपियन नाविक जो थे, ठीक है, जो यूरोपियन नाविक थे, उनके द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के बहुत ही अच्छे कार्य किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण अभूतपूर्व कार्य. ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स मीन्स सी रूट समुद्री मार्ग के यूरोपियन नाविकों ने इसको खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए. ठीक है, They were driven by the desire to find ways to reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. ठीक है, और इस प्रकार उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा को रखता था, उससे प्रेरित था. वास्को डिगामा द पोर्टुगीज सेलर सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर टू इंडियन ओशियन. ठीक है, वास्को डिगामा जो कि क्या थे, एक पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाली. ठीक है, पोर्टुगीज नाविक थे, सेलर मीन्स नाविक, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके कहाँ पहुँचे, इंडियन ओशियन पहुँचे, भारत में पहुँचे. ठीक है, His first journey took more than a year. He reached Calicut in 1498. उनकी अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लगा और वह 1498 में कालीकट पहुंचा. And returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. ओके, और उसके बाद अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया. ओके, ही लॉस्ट टू हिज फोर शिप्स एंड ऑफ द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 सर्वाइव्ड. ठीक है, तो वे कहते हैं कि इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके
चार में से दो जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री ही 54 यात्री ही बचे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हैजार्ड्स द रूट्स दैट वर ओपन्ड अप प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाय इंग्लिश डच एंड फ्रेंच सेलर्स। ठीक है, इन प्रत्यक्ष खतरों को उनको दिख रहे थे कि इतने खतरे हैं, इतने खतरों के बावजूद भी जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। द सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू फाइंड अ रूट टू रूट इन इंडिया। तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य अच्छा परिणाम क्या निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी, वह क्या था कि एक इटली वासी थे, ठीक है, एक इटली वासी जिसका जिनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, उन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। ओके, He landed to the West Indies, which got their name because of this confusion in 1492. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. Okay, तो उनका क्या सोचना था? उनका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को, ठीक है स्टूडेंट्स, उसने क्या किया था, मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों पर को नष्ट कर दिया। उन प्रदेशों की जो पहले बस्तियाँ थी, जो सेटलमेंट्स थे, जो कॉलोनीज थे, उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू हैव टू इमेजिन, लेट्स सी, यू आर प्लानिंग अ जर्नी फ्रॉम सूरत टू वेस्ट एशिया इन द 17th सेंचुरी। आप सोचिए कि आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिम एशिया को जाने का की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। वट आर द अरेंजमेंट्स यू विल मेक, तो किस प्रकार के आप तैयारियां करेंगे। तो स्टूडेंट्स सोचिए और आप अपनी रफ कॉपी में इसको अटैम्प्ट करिए। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स टूडे क्लास इज ओवर। ऑल राइट, टुमारो आई विल बी बैक विद न्यू चैप्टर। सो टिल देन स्टूडेंट्स रिवाइज यूर वर्क and be safe. Bye-bye. Have a nice day.